हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चंद्रजीत है और आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स को लेकर कई लोगों को दिक्कत होती है। करंट अफेयर्स को लेकर न्यूज़पेपर से पढ़े कि मैगजीन से पढ़े, कौन सी मैगजीन पढ़े, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, और इस पर हजारों की तादाद पर वीडियोज बनाई हुई है कि कोई भी एक मैगजीन पढ़ने से भी सफिशियंट है, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने से भी सफिशियंट है। बहुत सारे टॉपर्स, खास करके जो लोग एग्जाम निकाल चुके हैं, मैं भी ये चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इतनी बार मेंस देने के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद, कि इंटरव्यू से पहले भी या इंटरव्यू तक अगर आप सिर्फ किसी एक सेंटर की मैगजीन को पढ़ते हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ वे कि आपकी प्रिपरेशन को मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी कोचिंग सेंटर का मटेरियल उठाया मंथली वाला, और साथ ही साथ एडिटोरियल्स की जो कंपाइलेशन आती है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो ये आपकी न्यूज़पेपर से बेहतर परफॉर्मेंस देगा एग्जामिनेशन में, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आप लोगों ने फोकस किया इस चीज पे कि हम लोग जो है मटेरियल मंथली वाला पढ़ेंगे और एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लार्ज वे। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक करंट इशू का टॉपिक लेके आ रहा हूं, जो कि जुलाई महीने का है, जुलाई 2022 का है। टॉपिक का नाम है एनिमल हेल्थ समिट 2022। दोस्तों, एनिमल हेल्थ समिट 2022 एक नया टॉपिक है हमारे देश में। पहली बार ऐसा एनिमल हेल्थ को लेकर समिट हुआ है। क्या है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं। पीडीएफ जो मैं शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन पर, वो दृष्टि आईएएस है, कर से दृष्टि आईएएस, और इसके अंदर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया टू हाउ टू रिमेम्बर स्टाफ। अब दोस्तों, ये जो एनिमल समिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनिमल समिट के अंदर एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, किस किस्म के ऑर्गेनाइजर्स इसके अंदर हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, एक नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वन हेल्थ का। तो ये वन हेल्थ क्या है, किस तरीके से वन हेल्थ आज के तारीख में रेलेवेंट बन चुका है व्हेन इट कम्स टू द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरनमेंट, तो इन सब चीज़ों को डील किया गया है। लेकिन इस बड़े से टॉपिक को किस तरीके से हमने एक छोटे से चार्ट में, फ्लो चार्ट में बनाकर दिखाया, या वीडियो के अंदर ही आपको पता चलेगा जब हम लोग इस पीडीएफ को डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करिए। Union Minister of Fisheries and Animal Husbandry Daring inaugurated the first Animal Health Summit in 2022 in New Delhi. The first ever Animal Health Summit by Indian Chamber of Food and Agriculture and Agriculture Today Group. The animal health is critical component of One Health. ये एक कॉन्सेप्ट है। वन हेल्थ इज एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइजेस दैट द हेल्थ ऑफ पीपल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड आवर शेयर्ड एनवायरनमेंट। बेसिकली अगर हमारा एनवायरनमेंट खराब हुआ या हमारी एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स की तो हेल्थ खराब हुई, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा। तो वन हेल्थ इज बेसिकली इन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, पहला चीज कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इस समिट को ऑर्गेनाइज कर रही है और कहाँ कर रही है। दूसरी चीज, इसको ऑर्गेनाइज कौन कौन से लोग या ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसे IFCA इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप इन्वॉल्व है। ये सब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हेल्थ क्या है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल हेल्थ कवर्स एनिमल डिजीजेस एज वेल एज द इंटरप्ले, ये की वर्ड है, इंटरप्ले बिटवीन एनिमल वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड फूड सेफ्टी। यहाँ पे फूड सेफ्टी का कारण ये है कि हम सब लोग जो है किसी ना किसी तरीके से एक फूड पिरामिड, फूड चेन तो एक ऐसा एक आइडियल कॉन्सेप्ट है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फूड पिरामिड होता है, तो फूड पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल देता है अगर एनवायरनमेंट, एनिमल हेल्थ ये बिगड़ता है। तो दैट्स द इंटरप्ले, दैट्स द रिलेशनशिप। मेनी नोन ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीजेस स्टार्ट इन एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे जूनोटिक डिजीजेस, ठीक, हम लोग आगे देखेंगे उसको। Although not all animal diseases are directly harmful to humans, they have a significant socio-economic, now यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है एनिमल डिजीजेस का, देखते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों की ऑक्यूपेशन जो है वो डिपेंड करती है ऑन द एनिमल हेल्थ, जैसे जिनकी इनकम जो है वो एनिमल प्रोडक्शन पे टिकी हुई है, जिनकी इनकम जो है वो एनिमल प्रोटीन में टिकी हुई है, ठीक है, ये ग्लोबल एनिमल प्रोडक्शन जो है वो लूज हो जाता है, ठीक है, एनिमल जहां से हमें प्रोटीन मिलता है जिससे हम लोग पूरी दुनिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी कमी हो जाती है। One in five people depend on animal productions for their income and livelihood. ठीक है, तो इस तरीके से वो interplay कर रहा है। The World Organization for Animal Health जो है, उन्होंने 117 illness के बारे में बताया है। उसमें से more than 50 wild life illness जो है, वो major consequences create करता है हमारे livestock पे, जिसका impact directly public health पे पड़ता है। तो बहुत ही सीधी तरीके से बात कही जा रही है। इसके ऊपर एक MCQ बन सकता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है ये क्या है, इट्स बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट आर द डिजीजेस रिलेटेड टू एनिमल। देखिए ये डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीक्यू से पूछ सकता है, क्योंकि ये जो रिलेशन है एंड वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सारी एनिमल डिजीजेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो या तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 कब से हुआ है या कहाँ हुआ है, किसने ऑर्गेनाइज कराया, किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे भी पूछ सकते हैं। या ये सोशियो इकोनॉमिक वाला जो चीज है ये मोस्ट लाइकली मेंस में पूछने की ज्यादा संभावना है। उसके अलावा एमसीक्यू पूछ सकते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में, इस पे सवाल पूछ सकते हैं एमसीक्यू। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस जो एनिमल्स में होती हैं जो हम लोग को इफेक्ट कर सकती है, ऑलमोस्ट सारे के सारे डिजीजेस वायरल डिजीजेस हैं, जैसे मंकी पॉक्स हम कुछ दिन पहले भी न्यूज में देख रहे थे, मंकी पॉक्स वायरल जूनोटिक डिजीजेस। ठीक है, इसके अलावा देखिए लंपी स्किन डिजीज जो है, इट इज नोटिफायबल डिजीज कॉज बाई लंपी स्किन डिजीज वायरस। ठीक है, तो ये हम लोग साफ साफ देख रहे हैं। अफ्रीका का जो स्वाइन फ्लू है, हाईली कंटेजियस होता है, डेडली वायरल डिजीज है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ऑल्दो ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन, इन सब छोटी छोटी चीजों पे एमसीक्यू लोग पूछ लेते हैं कि स्वाइन फ्लू और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, या क्या अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ट्रांसमिट हो सकता है पिग्स से इंसानों के बीच में डायरेक्टली, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, फूट टू माउथ डिजीजेस, फूट एंड माउथ डिजीज क्या है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीजेज अफेक्टिंग क्लोव्ड फूटेड एनिमल्स, इट इज कैरेक्टराइज बाई फीवर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, ब्लिस्टर्स इन माउथ। ठीक है, तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। इंडिया में ये डिजीज काफी वाइड स्प्रेड है, फूट एंड माउथ डिजीज इंडिया में काफी वाइड स्प्रेड है। इट अज्यूम्स द पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा रेबीज क्या होती है, रेबीज ये डिजीजेस ऑफ डॉग्स, फॉक्स, वुल्व्स, ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज होती है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज होती है, इनमें ये देखी जाती है, द डिजीज इज पास फ्रॉम अदर टू वन एनिमल टू अदर एनिमल और एनिमल टू पीपल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेबीज जो है जानवरों से इंसानों में आती है। ठीक है, इसके अलावा जो बर्ड फ्लू है इसके बारे में आपको तो पता ही है, एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू इसका नाम है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स उठाई हैं, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर चुकी है विद रिस्पेक्ट टू कर्बिंग दी एनिमल डिजीजेस, एनिमल डिजीज को कर्ब करने के लिए सरकार की क्या क्या नीतियां हैं। पहली चीज यह है कि लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी ने इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, ये मेन टारगेट है लाइफ स्टॉक की, जो है उसको हेल्दी रहे, स्टॉक अच्छा रहे, स्टॉक रिड्यूस ना हो और उनमें डिजीजेस ना हो या डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाए। ठीक है, इनविजेस टू कंट्रोल एंड कंटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल डिजीजेस बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट्स। अच्छा, अब इसके लिए एक और स्कीम भी है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने सितंबर 2019 में फॉर कंट्रोलिंग फूट एंड माउथ डिजीजेस एंड ब्रुसिलोसिस के लिए वैक्सीनेशन कराने का निर्णय लिया गया था 100% कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग्स की पॉपुलेशन को और 100% बोवाइन फीमेल काउस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कंट्रोल द फूट एंड माउथ डिजीजेस बाय 2025 विथ वैक्सीनेशन और इवेंचुअल इराडिकेशन ऑफ द डिजीज बाई 2030। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट करने की जो टारगेट था वो 2025 का है और अभी 2030 में डिजीज को, फूट एंड माउथ डिजीज को कंप्लीटली रिड्यूस कराने का जो है वो भी एक टारगेट है। मिशन वत्सालय क्या है इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे खत्म करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, याद कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एनिमल हेल्थ की बात हो रही है, एनिमल हेल्थ की बात हो रही है, ये एनिमल हेल्थ कैसे रिलेटेड है, एनिमल हेल्थ रिलेटेड है वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट से। वन हेल्थ क्यों, क्योंकि एनिमल हेल्थ जो है ये तीनों चीजों से इंटरलिंक्ड है, इंटरप्ले है, एनिमल्स की हेल्थ, ह्यूमंस की हेल्थ और एनवायरमेंट की कंडीशन, ये इंटरप्ले हो रहा है, ये इंटरप्ले हो रहा है। तो ये जो इंटरप्ले है, इस इंटरप्ले की बात हो रही है, ये इंटरप्ले की बात हो रही है। तो अगर हमने किसी एक को भी नुकसान देखा या उसके लिए काम नहीं किया तो इवेंचुअली वो बाकी के हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, और जब हेल्थ नुकसान होगा तो ऑब्वियसली इसके सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, तो इसका इंपैक्ट हेल्थ में भी है, इसका इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी है। और इस चीज को बचाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स या स्कीम्स या पॉलिसीज चल रही हैं, और डिजीजेस कौन कौन से हैं जो कि इस हमारे इस मिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो डिजीजेस जो ज्यादा ट्रांसमिट हो सकती हैं ज्यादा कम्युनिकेबल है। तो ये हमारा इस पूरे टॉपिक का फ्लो चार्ट है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। ये बड़ा ही इजी चीज है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, बस इतना चार्ट बनाने से अगर ये पूरी लाइन खत्म हो सकती है तो हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। दैट्स दिस ट्रिक, दैट्स द वे टू स्टडी द करंट अफेयर्स। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। डिकोड में अगर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।